हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित पांडे एक्सप्लोरिंग नेचर। दोस्तों, आज हम आपको नई रेसिपी, गांव की फेवरेट रेसिपी बता के दिखाएंगे। इसका नाम है डुबके, चने की दाल के डुबके। हमारे वहाँ डुबके बाहर बहुत है। यहाँ डुबके का मतलब होता है आप किसी भी दाल को रात को भिगो दें और सुबह उसे बारीक पीस के या थोड़ा दरदरा पीस के उसे हम छोंक के दाल लोहे की कढ़ाई में छोंक के पकाएं तो उसे हम डुबके कहते हैं। गांव में डुबके बहुत बहुत फेमस है। तो आज हम आपको चने की दाल के डुबके बनाना सिखाएंगे, जो बनाने की विधि, इंग्रेडिएंट और सब चीज़ों को आपके बारे में बारी बारी से दिखाएंगे और कैसे इसे बनाते हैं वो विधि आपको बताएंगे। चने की दाल के डुबके बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को हम धो लेंगे साफ से, उसके बाद से भिगो लेंगे। भिगो के फिर हम उसे मिक्सी में पीस लेते हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं करते हैं। देखिए, अब हमारी दाल पीस गई है। अब हमें अपने इंग्रेडिएंट आपको दिखा देते हैं। एक चने की पीसी हुई दाल, ये थोड़ा गरम मसाला, अदरक वगैरह हमने कूट के रखा हुआ है, बारीक कतरा टमाटर, प्याज, हींग और मसाले और बारीक कटी हुई मिर्च। तो चलिए, अब हमको आपको बनाना सिखाते हैं डुबके। डुबके तो हम इसे बनाते हैं लोही कढ़ाई में, क्योंकि लोही कढ़ाई में आयरन होता है और बहुत टेस्टी बनते हैं। पहाड़ों में इसे लोही कढ़ाई में ही बनाया जाता है। इससे पहले हम अपनी गैस में रखते हैं लोही कढ़ाई, गैस ऑन कर लेते हैं और हम आज इसे देसी घी बनाएंगे। तेल तो देखिए डॉक्टर बोलते हैं कम से कम खाओ, इसलिए हम घी का प्रयोग करते हैं। आज हम इसे देसी घी बना के खाएंगे आपको। तो हम सबसे पहले अपना देसी घी लेते हैं अपने हिसाब से। मैं 3 से 4 चम्मच देसी घी ले रहा हूँ। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डाल दें, साथ में थोड़ा सा हींग। हींग से क्या होता है, चने की तासीर थोड़ा ठंडी होती है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है और टेस्ट भी बहुत आता है। पहाड़ों में तो वैसे भी कुछ नहीं होती ठंडी की वजह से। तो हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, प्याज कट के रखो हमारी प्याज आप। साथ में मैंने थोड़ा कड़े मसाले, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। जैसे थोड़ा बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा दालचीनी वगैरह सब मिक्स करके मैंने उसका पेस्ट बना लिया। इसको मिश्रण अब ये प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया, हल्का हल्का हम देखिए और पकना है। थोड़ा सा हम इसमें हरी मिर्च हमने काट के रखी है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा हरी मिर्च हम डालते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालते हैं, टमाटर को थोड़ा पका देते हैं। सबसे पहले धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च कलर के लिए, थोड़ा सा कलर अच्छा करता है। ये एक मसाला है जो मेरा स्पेशली अपने हिसाब से बनाया है। इसमें 2-3 मसाले मिक्स करके मैंने बनाए हैं। सब्जी मसाला है, चना मसाला है और थोड़ा सा मसाला है और ये किचन की मेरा फेवरेट मसाला। नमक अपने स्वाद के अनुसार मसाला ठीक से पक जाए इसे थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, क्योंकि जल न जाएंगे। थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा मसाले को पकने को छोड़ देते, मसाला इतना पकाएं थोड़ा जैसे मसाला तेल छोड़ देता है पक के, तो उतना मसाले को पकाएं तो उससे अच्छा टेस्ट आता है और मसाला पक भी सही से।
क्योंकि जब हम उसमें दाल डाल देंगे उसके बाद भी दाल के साथ पकेगा तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। उसके मसाले को इतना पका लें प्याज और टमाटर के साथ कि मसाला थोड़ा अपना तेल छोड़ दें। क्योंकि अब हमारा मसाला बनकर तैयार है, हम उसमें पिसी हुई दाल हमारी चने की वो डालते हैं। ये दाल का पानी ही बचा था जो हमने मिक्सी में पीसा था, तो इसमें थोड़ा पानी बच गया था धोने के बाद, वो भी हमने यूज़ कर लिया है। इसे पकाना खूब पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये दाल होती कच्ची दाल है, दाल को तो वैसे तो हम सीटी में पका, कुकर अब सीटी वाला बनाते हैं, लेकिन जब इसे हम कढ़ाई में बनाते हैं या डेग में बनाते हैं तो इसे थोड़ा पकने में टाइम लगता है, तो इसे खूब पकाना पड़ता है और खूब थोड़ा थोड़ा देर में हिलाते रहना पड़ता है नीचे, क्योंकि ये नीचे तलाल में लग जाता है, जलने लगता है नीचे से, भारी होती है दाल नीचे बैठती है और फिर जलने लगती है। तो हम इसे हल्की आँच में पकने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा देर में इसे ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से नीचे ना बैठे और जले ना नीचे। देखिए दोस्तों अभी बनके हमारा जो डुबके तैयार हुए हैं, हमारा पहाड़ी डुबुक उनके तैयार है। थोड़ा गार्निशिंग करते हैं, थोड़ा कटा हुआ धनिया इसको हम डालते हैं, अभी खाने के लिए तैयार है। साथ में है भात, आज हम खाएंगे डुबके भात। बहुत ही बेहतरीन खुशबू, पहाड़ी लुक, पहाड़ी अंदाज और पहाड़ी स्वाद।